ओम शांति। बाबा हमेशा ही जब स्मृति दिवस पर आते हैं तो 18 जनवरी बाबा की स्मृति का विशेष दिन। उस दिन बाबा कुछ एक गहरे राज एडवांस पार्टी के और कुछ सेवाओं के लिए और विशेष करके मनसा सेवा पर बहुत अटेंशन दिलाते हैं। तो ये 86 के महावाक्य ऐसे लगता है जैसे कोई बाबा खुद ही एडवांस पार्टी का संदेशी बन करके आया है और उनके विषय में उनके संदेश दे रहा है कि जो भी विशेष आत्माएं एडवांस पार्टी में गई हैं उनकी क्या इच्छा है, क्या वो चाहती हैं वर्तमान समय की एडवांस स्टेज वाले बच्चों से। शुरुआत तो बाबा अपने बच्चों की महिमा से ही करते हैं और विशेष आदि रत्नों की विशेषताएं क्या हैं, क्योंकि आदि रत्न जिनको हम दादियां या बड़े भाई बहने कहते हैं कि दादियां आदि रत्न जो शुरू शुरू में स्थापना के समय बाबा के ज्ञान में आई, बाबा को पहचाना, पहचानते ही सहयोगी बनी, सहयोगी बन करके अनेकों के लिए एग्जाम्पल बन गई। तो बाबा ऐसे आदि रत्नों की महिमा कर रहे हैं कि आप बच्चों ने जो हिम्मत रखी जिसे स्थापना हुई उसके कारण कितनी आत्माओं का कल्याण हुआ। आप बच्चे दिल वाले बच्चे हैं, एक है दिमाग वाले बच्चे, एक है दिल वाले बच्चे, क्योंकि बाबा कह रहे हैं आपने पुरानी दुनिया को नहीं देखा लेकिन नई दुनिया बनाने वाले बाबा को देखा और देखते ही सेवा में लग गए, समर्पित हो गए। आपको दुनिया का ज्ञान भले कुछ भी नहीं है क्योंकि दादियों को दुनिया के बारे में कुछ भी पता नहीं, उस समय तो बिल्कुल जानकारी नहीं थी। तो बाबा ने कहा दुनिया का दिमाग है या नहीं है लेकिन आपके पास सच्ची दिल है और इसलिए सच्ची दिल से साहेब को आपने राजी कर लिया है। और दिल वाले जब ज्ञान किसी को देते हैं तो उनके दिल तक जाता है, दिमाग वाले अगर कोई बात किसी को कहते हो सिर्फ दिमाग तक रह जाती है। दिल वालों को सबकी दुआएं मिलती हैं और दिमाग वालों को उनकी महिमा हो जाती है। तो ऐसे ही बाबा कॉन्ट्रास्ट बताते हुए फिर एडवांस पार्टी की तरफ ध्यान खिंचवाते हैं कि जो आत्माएं नई दुनिया की स्थापना के लिए सतयुगी देवी देवताओं को नई दुनिया में उतारने के लिए एडवांस में गई हैं, उन्होंने उस वायुमंडल में रहते हुए अपनी पवित्रता को कायम रखा है। जहाँ जन्म लिया है वहां पर वो पवित्र हैं लेकिन ज्ञान इमर्ज नहीं है, उनकी ज्ञान स्वरूप श्रेष्ठ जीवन है। और ऐसे वायुमंडल में जब चारों तरफ विकारी तमोगुणी वायुमंडल है उसके बीच में वो कमल फूल के समान न्यारी और प्यारी रहती हैं। आपस के संबंधों में भी जहां जहां भी हैं, भले अलग अलग घरों में हैं, लेकिन जब मिलते हैं तो पहचानी हुई सकल, पहचाने हुए लोग लगते हैं, वही मधुरता होती है, मिठास होती है। तो उनके विषय में बाबा ने बहुत कुछ एडवांस पार्टी के बारे में इस मुरली में कहा है, बताया है और साथ साथ कहा है कि ऐसे आत्माओं को आप बच्चों के मनसा सेवा का, मनसा शक्ति का सहयोग चाहिए, क्योंकि पुरानी दुनिया में नई दुनिया की स्थापना करना, सतयुगी देवताओं को ऊपर से उतारना और विशेष करके नए आत्माओं के लिए योग बल से गर्भ महल तैयार करवाना, उसके लिए चाहिए बहुत शक्तिशाली मनसा। और वो मनसा सेवा आप बच्चों को अभी विशेष अंडरलाइन करनी है,
उस पर ध्यान देना है। ऐसे नहीं है कि हमारे पास तो इतनी सेवाएं हैं, इतने सेंटर्स हैं, इतनी एरिया है, इतनी कारोबार है, हम बहुत बिजी रहते हैं। तो बाबा ने कहा है कि एडवांस पार्टी कह रही है, क्या इन्हीं हदों में अपनी अपने स्थानों में ही बिजी रहोगे, या भी नई दुनिया की स्थापना में अपनी मनसा शक्तियों का सहयोग दोगे? अगर आप मनसा सेवा का सहयोग देंगे तो आपके सब कार्य अपने आप हो जाएंगे, सिद्धि स्वरूप बन जाएंगे। वो बाबा ने आगे खोलते हुए बताया है, लेकिन मम्मा का, दीदी का भाव, विश्व किशोर का विशेष संदेश के रूप में संदेश सुनाया है कि जगदम्बा माँ अपने बच्चों को सफलता मूरत बनने के लिए कह रही हैं कि दो शक्तियों को धारण करना, एक सहन शक्ति, दूसरी समाने की शक्ति। यही दो शक्तियां हैं जो आपको सफल बनाएंगी। साथ साथ हमारी दीदी जो अचानक उस समय 83 में अव्यक्त हुई, दीदी मनमोहिनी, तो बाबा से रूह रिहान कर रही है कि बाबा आपने पहले से नहीं बताया, पहले से बताते तो मैं छुट्टी लेके आती। तो बाबा कहते हैं, क्या आपको ये बच्चे छुट्टी देते? एक नियम बना हुआ है, ड्रामा का एक कल्याणकारी नियम है कि हर आत्मा को अचानक ही जाना है, कोई बता करके छुट्टी लेकर के नहीं आएगा, क्योंकि यही एक नष्टो मोह बनने की विधि है। नहीं तो मोह जागृत होगा, चाहे लौकिक का हो चाहे अलौकिक का हो। अगर कोई शरीर छोड़ने लगे, उसको पता हो पहले से, कह दे वे परिवार में कि मैं तो जाने वाला हूँ, तो चारों तरफ से रोना धोना शुरू हो जाता। इसलिए बाबा कहता है नष्टो मोह बनने की विधि है, कोई भी बता के नहीं आया है। भले विश्वकिशोर दादा के लिए बाबा ने कहा, उसको थोड़ा सा पता चल गया था, अनंत समय में वो भी भूल गया। आप जानते होंगे, पुरानों को पता है, विश्वकिशोर दादा, उनको एक बहुत बड़ा नशा था। बाबा के वो भतीजे थे लौकिक में, भाई के, बड़े भाई के लड़के थे। विश्वकिशोर दादा की ही धर्मपत्नी युगल संतरी दादी थी, और विश्वकिशोर दादा बाबा की सेवाओं को अपना समझ करके, राइट हैंड बन करके, लौकिक में भी जो बाबा का बिजनेस था कलकत्ता के अंदर हीरे जवाहरात का, उसको भी संभालने में सहयोग देते थे, और बाबा के बहुत आज्ञाकारी थे, सपूत थे। जब बाबा को साक्षात्कार हुए और संकल्प आया कि मुझे ये बिजनेस को नहीं करना है, समेटना है, तो बाबा ने एक धक से कह दिया है विश्वकिशोर को ही कि दादा की ये देखेगा, ये भाव देखेगा, मैं तो चला, कैसे बिजनेस समेटना है वो जानता है। तो इतना बाबा का उस पर फेथ था, तो उसने बाबा के बिजनेस को समेटा। जो बाबा के साथ सहयोगी था, पार्टनर, व्यापारी था, उसको कुछ धन की जरूरत थी, धन दिया और जेवरात सारे लेकर के जमा किए, जिससे यज्ञ 14 साल तक चला। तो विश्वकिशोर दादा को नशा भी था, लेकिन वो बाबा का समर्पित हुआ, और समर्पित होते ही राइट हैंड बन करके रहा। कहीं मकान लेना है, कहीं सेंटर खोलना है, और सबसे बड़ी बात दादा की ये रही कि बाबा कभी किसी के हाथ का नहीं खाते थे। कहीं भी जाते थे, भले वहां सेंटर भी होता, तो भी बाबा सेंटर पर भी नहीं जाते, दादा सेंटर पर भी खाना खाने नहीं जाते थे। अपने साथ छोटा सा स्टोव रखते थे, उस समय स्टोव तेल से चलता, मिट्टी के तेल से, घासलेट से, और जहां पर भी ट्रेन रुकती, स्टेशन पर उतर करके वेटिंग रूम में कोने में बैठ करके अपने साथ आटा दाल रख करके, चावल सब्जी कुछ रख के, और अपना भोजन खुद बना करके खा करके फिर सेवा पर जाते थे। किसी पर वो डिपेंड नहीं थे, अपना सामान, अपना साधन साथ रखते। और उन्होंने भारत में जब सेवाएं प्रारंभ हुई हैं, तो बहुत मेहनत करके, क्योंकि नया ज्ञान, नई नई बातें, कोई सहयोग नहीं भारत के अंदर,
कोई बच्चे नहीं, लेकिन दादा की हिम्मत और उनका निश्चय, उनका त्याग, उनकी तपस्या से यज्ञ की स्थापना हुई, माना सेवाओं की स्थापना हुई, विस्तार हुआ। जितने भी विघ्न आए, बहनों की तरफ से मम्मा निमित्त थी और भाइयों की तरफ से दादा विश्व किशोर थे। हर बात में आगे रह करके बाबा तक वो बात न जाए, बाबा को इतना निश्चिंत करके रखा, इसलिए उनको एक नशा था, अटल निश्चय था और नशा संपन्न था कि मुझे फर्स्ट विश्व महाराजन का प्रिंस बनना है, श्री नारायण का पहला बेटा बनना है। वो नशा था, बाबा ने साक्षात्कार भी कराया था कि सेकेंड गद्दी इसी बच्चे को मिलेगी बाबा की। तो वो नशा, वो निश्चय दादा विश्व किशोर का था। विश्व किशोर के विषय में बाबा ने कहा है, ऐसा बच्चा जिसका निश्चय इतना अटल था, एक सेकंड भी बाबा के सिवाय कोई भी आत्मा का प्रभाव नहीं, और कैसे बाबा की संभाल करनी है, बाबा के रथ की संभाल करनी है और साथ साथ यज्ञ को कैसे निर्विघ्न रखना है, कि विश्व किशोर दादा की विशेषता थी। बाबा ने उनकी भी विशेषताएं सुनाई और फिर दीदी की विशेषता सुनाई कि दीदी के अंदर एक ही संकल्प रहता था, या तो बाबा को अपनी अंगुली दे दो या तो बाबा की अंगुली पकड़ करके चलो। दीदी जब सैर करती थी, चक्कर लगाती थी, तो बाबा की अंगुली पकड़ करके जाती थी या अपनी अंगुली बाबा के हाथ में दे देती थी, बाबा उस बच्चे को चलाता था। और कभी कभी कहता था, बच्ची अभी तो आप बाप की अंगुली पकड़ करके चलती हो, क्या भविष्य में आप श्री कृष्ण की अंगुली पकड़ करके चलोगी? बहुत रमणीकता से बाबा दीदी से रूह रिहान करते थे। साकार में भी जब तक दीदी रही, हर मुरली के साथ जब बाबा आए अव्यक्त रूप में, तब दीदी के साथ बहुत स्पेशल गहरी गहरी रूह रिहान की। तो एडवांस पार्टी की बहुत सारी बातें बाबा ने इसमें सुनाई है और खास अटेंशन दिलाया है कि वर्तमान समय चारों तरफ प्रकृति तमोगुणी है और विनाश की बहुत भयानक सीन आपके सामने है। अचानक की मृत्यु, अकाले मृत्यु, सामूहिक रूप में मृत्यु आत्माओं की हो रही है और ये आत्माएं वायुमंडल में भटकेंगी, परेशान करेंगी। जब तक मुक्ति का गेट खुले, तब तक इन आत्माओं से अपनी सेफ्टी के लिए, सर्व आत्माओं को सहयोग देने के लिए, इन्हें मुक्ति देने के लिए आप बच्चों को मनसा सेवा पर बहुत ध्यान देना है, मनसा शक्तिशाली बना के रखना है। अगर मनसा कमजोर है, शक्तिशाली नहीं है, लाइन क्लीन और क्लियर नहीं है, तो आपकी कमजोरियां ही आपके सामने भूत बन करके आपको परेशान करेंगी। इसलिए ध्यान देना कि कोई भी कमजोरी है, कोई भी संस्कार है, उसको मुझे पहले से ही महसूस करके तपस्या के बल से समाप्त करना है, मनसा की शक्तियों को बढ़ाना है। क्योंकि अंतिम समय की सेवा, बाबा ने कहा है कि वाणी के द्वारा तो आप बच्चे कर ही रहे हो, करते ही चलो, लेकिन साथ साथ अभी समय आ रहा है जो वृत्तियों से वृत्ति का परिवर्तन हो, संस्कारों से संस्कारों का परिवर्तन हो। तो इतनी हमारी श्रेष्ठ शक्तिशाली वृत्तियां हो, हमारी मनसा इतनी शुद्ध और पवित्र हो, शक्तिशाली हो, जो इस सेवा को हम सहज कर सकें। क्योंकि इसी सेवा से बाबा ने कहा है कि आप बच्चों को सिद्धियां प्राप्त हो जाएंगी, आपको जिज्ञासुओं की चिंता नहीं है, आपको पैसे की मदोगरी की चिंता नहीं है, आपको कोई स्थान बनाने की चिंता नहीं होगी, संकल्प उठेगा, सब होने लगेगा, लेकिन मनसा शक्ति पर ध्यान दो। अभी तक कहाँ बिजी रहते हो, किधर बिजी रहते हो, उस समय को बचाओ और जितना समय मिले वृत्ति इतनी पावरफुल हो जो वृत्तियों से वृत्ति का परिवर्तन हो। वर्तमान समय इसकी बहुत आवश्यकता है, क्योंकि वृत्तियां विशेष करके हर आत्मा की बहुत चंचल है। चंचल वृत्तियों को अपनी एकाग्र वृत्ति के द्वारा परिवर्तन करना, संकल्प से
अपने पावन श्रेष्ठ शक्तिशाली संकल्प से कमजोर संकल्पों को परिवर्तन कर देना एक बहुत बड़ी सेवा है, और इस सेवा को वर्तमान समय विशेष अटेंशन देकर के करने की आवश्यकता है। फिर बाबा ने कुछ यज्ञ की बातें सुनाई हैं, जैसे स्थापना जब हुई है तो कैसे बच्चों ने सहयोग दिया, माताओं की बूंद बूंद से इतना बड़ा यज्ञ शुरुआत में शुरू हुआ है, स्थापना हुई है। पांडवों का भी सहयोग रहा है जो प्रवृत्ति में रहते हुए सदा सहयोगी बन करके रहे, तो बाबा ने माताओं को पांडवों को विशेष याद किया है। तो इस प्रकार आज की मुरली में ऐसे लगता है कि जैसे बाबा भविष्य को हम सब के सामने बहुत स्पष्ट रूप से रख रहे हैं, एडवांस पार्टियां क्या कर रही हैं, और आप बच्चों को इस समय कोई भी हदों में नहीं फंसने की जरूरत है, अभी बेहद में आ जाओ और बेहद में रह करके विश्व कल्याण की सेवा में सहयोगी बनो। नई दुनिया की स्थापना में, उसके आह्वान में आपका बहुत बड़ा योगदान है। तो बाबा ने आज के इन महावाक्यों में विशेष तो सबको इस बात पर बहुत अटेंशन देने की जरूरत है कि हम अपने मन और बुद्धि को सब बातों से फ्री रखें और अंतःवाहक शरीर से सेवा करने के अभ्यासी बने। विशेष दादियों के मिलन में बाबा ने इस बात पर भी अंडरलाइन कराया है कि अभी समय अनुसार आप अंतिम स्थिति जो है कर्मातीत स्थिति है, ये भी एक बहुत अच्छी बात बाबा ने कही है कि कई बच्चे सोचते हैं, प्रश्न पूछते हैं, क्या ये जो आत्माएं गई, दीदी गई, विश्वकिशोर दादा गए, मम्मा गई, अभी हमारी और दादियां चली गई, तो क्या ये संपन्न बन करके गई, कर्मातीत बन करके गई? ये बहुतों के प्रश्न उठते हैं, क्या यही कर्मातीत स्टेज है? तो बाबा ने कहा उनका पुरुषार्थ तो कर्मातीत स्थिति का था, लेकिन वो जो इतनी सहयोगी थी, इतनी स्नेही थी, इतना समय पर बाबा के कार्य को मदद किया, आगे बढ़ाया, तो उनको कुछ उसके रिटर्न में जमा जो खाता किया था उसके कारण बाबा उन्हें विशेष मार्क्स दे करके विशेष पास कर देगा, वो कर्मातीत बन जाएंगे। कुछ कमी पेशी होगी भी तो किए हुए पुण्य, किए हुए सेवाओं के फल स्वरूप वो आत्माएं संपन्नता को प्राप्त करेंगी। इससे एक बात यही सिद्ध होती है कि ये आत्माएं जो गई हैं एडवांस पार्टी की, वो ज्ञान में पुनः नहीं आएंगी, लेकिन ये आत्माएं फिर से नई दुनिया की स्थापना के सहकार्य में सहयोगी बनेंगी, अपने अपने पुरुषार्थ के अनुसार, अपने योग बल से और बाबा के विशेष सहयोग से। उन्होंने अपनी संपन्नता को प्राप्त किया है, संपन्न बन करके ही गई हैं, वे उन्हें पुरुषार्थ करने के लिए संगम पर वापस नहीं आएंगे। तो ये सब बातें बहुत गहरी हैं, नए नए विद्यार्थियों को कहाँ तक समझ में आएंगी मैं नहीं कह सकता, लेकिन बाबा अपने बच्चों को पूरा ही भविष्य जैसे दिग्दर्शन करा रहे हैं। तो आप सभी इसकी गहराई में गए होंगे, चिंतन किया होगा, आपके अगर कोई प्रश्न है तो पूछ लीजिए। बाबा की मुरली में सब बातें बहुत क्लियर हैं, स्पष्ट हैं, और पढ़ते हुए ऐसे लगता था जैसे बाबा हम बच्चों को दूरादेशी बन करके कल क्या होगा, आने वाली दुनिया में कैसे भयंकर हाहाकार होगा, परेशान होंगी आत्माएं, उसमें अपनी सेफ्टी हो, नई दुनिया का प्रारंभ हो, गर्भ महल तैयार हो, परमधाम की आत्माएं इस सृष्टि मंच पर नया पाठ बजाने के लिए आए, भटकती हुई आत्माओं को मुक्ति मिले, सहारा मिले, अपनेपन की फीलिंग आए। ये सब बेहद की सेवाओं का आधार केवल हमारी शक्तिशाली मनसा है, हमारी श्रेष्ठ वृत्तियां हैं। तो मैं जहां तक नोट कर पाया, क्योंकि कई कारोबार होती हैं, बहुत सारी क्लासेज हैं, बहुत सारे भाई बहने मिलने जुलने वाले आते हैं, इसलिए जितना मुझे उल्ली याद रही वो आपके आगे हमने रखी। अभी आपको जो प्रश्न है पूछ सकते हो। ओम शांति। थैंक यू।
थैंक यू वैशाली बहन और राजू भाई, थैंक यू, आपने इतने अच्छे सार रूप में हमें पूरी मुरली बता दी और इतने अच्छे अच्छे पॉइंट्स कवर कर दिए। सबसे जो स्पेशल वही था कि जो भी सेवा करनी है दिल से करनी है, और जो दिल से करेंगे तो उसमें हमें वरदान मिलते रहेंगे। और मनसा शक्ति पर बहुत अटेंशन दिलाया तो उसके लिए धन्यवाद। कुछ प्रश्न आए हुए हैं और ये पहला प्रश्न जो है उसमें जब बाबा ने गर्भ महल के बारे में बताया तो बाबा ने कहा गर्भ महल भी तैयार करने हैं, तो उसकी भी तैयारी हो रही है। बाबा ने कहा तब तो नई रचना का योग बल का आरंभ होगा। तो प्रश्न आया है कि यह गर्भ महल का राज क्या है, तो आप इससे अगर थोड़ा विस्तार में समझा सके। क्योंकि हम सब जानते हैं कि सत्यी दुनिया का प्रारंभ है भोग बल से नहीं होगा, विकार नहीं होगी, और कोई भी आत्माएं अगर आज की तरह जन्म लें तो जब भी सजाओं की बात आती है तो गर्भ जेल की बात आती है, क्योंकि सबसे कड़ी सजा शायद जब अब बच्चा गर्भ में आता है तो उसको बहुत कड़ी सजाओं का अनुभव होता है, क्योंकि छोटे से स्थान पर उसके शरीर की वृद्धि होती है, और जब उसमें आता ही आत्मा तो कितना पीड़ा दुख उसका अनुभव होता होगा। अभी जन्म लेने के बाद तो सब बातें भूल जाती हैं, ये ड्रामा बहुत कल्याणकारी है, इसलिए उसका किसी को अनुभव नहीं होता। वो तो वहां पर ही सजा खाई अपने पास्ट के किए हुए कर्मों की। तो कलयुग में जो जन्म की पद्धति है वो है गर्भ जेल के द्वारा। सतयुग में आत्मा जब आएगी तो उसमें जरा भी उसको गर्भ की सजाओं का अनुभव नहीं होगा, आराम से, जैसे बाबा कहते हैं एक दृश्य दिखाया है शास्त्रों में, पीपल के पत्ते पर श्री कृष्ण का अवतरण हुआ। अब पीपल का पत्ता कोई ऐसा पत्ता नहीं जिस पर कोई बच्चा उतर के आएगा तो गर्भ महल से ही, लेकिन उस आत्मा को जरा भी पीड़ा नहीं होगी क्योंकि योग बल से उसका जन्म होगा। उस आत्मा का अपना भी योग बल है, और साथ साथ हम सब इस समय जो योग के प्रयोग कर रही हैं तो माता को उसका साक्षात्कार होगा और बहुत आराम से वो आत्मा जन्म ले लेगी, कोई तकलीफ नहीं होगी। तो सतयुग की जो रचना है प्रारंभ है, क्योंकि एकदम परिवर्तन है। कलयुग में कोई का जन्म योग बल से नहीं, सब भोग बल से, लेकिन सतयुग प्रारंभ होते ही ऐसी आत्माएं तैयार हो, ये एडवांस पार्टी की आत्माएं अपनी पालना से अपने शक्तियों से, कुछ ऐसी हैं जो योग कमा के गई हैं, जो देवी देवताओं को जन्म देंगी, उनके पास योग बल है। और साथ साथ कुछ आत्माएं जो है बहुत अच्छे पवित्र विचारों वाली बहुत अच्छी आत्माएं हैं जिनके द्वारा जन्म होगा देवी देवताओं का, इसलिए गर्भ महल तैयार कर रही है। माना वो धरनी बन रही है कि जैसे वो तैयार है कि भले देवी देवताएं अभी उतरे अवतरित हो, तो बाबा उसके लिए कह रहे हैं कि आप बच्चों को भी ऐसे योग करना है, ऐसे संकल्प करने हैं जो सहज ही देवी देवताओं का अवतरण फिर से प्रारंभ हो जाए। अच्छा, तो फिर राजू भाई दूसरा क्वेश्चन आया है, ये एडवांस पार्टी के ऊपर है। तो जैसे मुरली में कहा गया कि एडवांस पार्टी चिट चैट करते हैं, वतन में प्लान्स बनाते हैं, तो क्वेश्चन आया है कि इन एडवांस पार्टी चिटचैट करते कैसे हैं, उनको बाबा कैसे वतन में बुला लेते हैं, कैसे उनका आह्वान करते हैं। और फिर पूछा भी गया था कि यहाँ पे कि हमें क्या सहारा देना है, जिसका आपने वैसे उस उत्तर तो दिया था कि हमें अपनी मनसा शक्ति से सहारा देना है, बट फिर भी आप थोड़ा इसमें इसके बारे में बताएंगे तो अच्छा होगा। बाबा के पास ही एक चाबी है, जो बाबा कहता है मैं किसी बच्चे को नहीं देता हूँ, वो है साक्षात्कार की चाबी। वतन के सारे राज बाबा ही जानता है,
और जो भी आत्माएं गई हैं वो संगम के स्वरूप में इमर्ज होती हैं। जहाँ जन्म लिया है, जहाँ बच्चे बने हैं, वो बच्चों का रूप इमर्ज नहीं होता, लेकिन संगम में जैसे दादी का फेस है, दीदी का फेस है, मम्मा का फेस है, यही आत्माओं का जैसे ओरिजिनल संस्कार इमर्ज होता है, पहले वाला संगम के पुरुषार्थ वाला। और वो संस्कार जब इमर्ज हो जाते हैं तो मम्मा उसी रूप में दिखती है, दादियां उसी रूप में दिखती हैं जो संगम का रूप है। जहाँ जन्म है उसको बाबा इमर्ज नहीं करता, वो तो जैसे है वैसे ही है, लेकिन उनके संस्कारों को अव्यक्त रूप में इमर्ज करके फिर वो चिट चैट करता है कि बच्चे अभी क्या क्या तैयारी हो रही है, कैसे सतयुग आएगा, क्या प्लान है, तो उसके विषय में बाबा कभी कभी चिट चैट करते हैं वतन में, बच्चों को बुला करके उनसे पूछताछ करते हैं, उनसे पूछते हैं कि अभी कितना देरी है, क्या कर रहे हो, कैसे चलेगा। तो वो कुछ आत्माएं जिनको अपने इस जन्म की, जो जन्म लिया है उसकी स्मृति थोड़ी बहुत शायद रहती हो, लेकिन मैं समझता हूँ उनको जन्म की स्मृति नहीं रहती, वो संगम की स्मृति से बाबा रूह ध्यान करते हैं। अच्छा, और जैसे कहा गया था सहारा के बारे में, तो वो मनसा से ही सहारा तो केवल हमारी जितनी योग युक्त स्थिति है, हमारी बहुत बहुत शुद्ध पवित्र मनसा है, तो हमारे प्रकंपन जो है, हमारे जो शुद्ध वाइब्रेशन है और हमारी निजी जीवन की धारणाएं हैं, क्योंकि सतयुग के लिए देवी देवताओं की धरणी को तैयार करने के लिए भी हम ही तो देवता बनने वाले हैं। तो हम जब अपनी संपन्नता को प्राप्त करें, संगम पर रह करके हम उस संपन्नता का ध्यान रख करके पुरुषार्थ करें, वैसा योग कमाएं, ऐसा ध्यान रखें जो हम हदों में कहीं फंसे हुए ना हो, जब चाहे बाबा मुझे इमर्ज करके यूज कर सके, इतना अपने आप को इन बातों से, इस दुनिया के हलचलों से, सब संसार के समाचारों से न्यारा रखना है, उपराम रखना है, जो बाबा जब चाहे मुझ आत्मा को उनकी सेवा में इमर्ज कर दे, ये बच्चे आपके राइट हैंड हैं, ये आपके सहयोगी हैं, अपने शुद्ध शक्तिशाली मनसा के द्वारा। तो हम अपनी उपराम स्थिति में रहें, न्यारी प्यारी स्थिति में रहें, बाबा को ऑफर करें कि ये बुद्धि बहुत स्वच्छ है, मन बिल्कुल साफ है, आप जब चाहो इसको यूज करो। तो बाबा कर सकता है, हम क्या करेंगे, हम क्या सहयोग देंगे, लेकिन बाबा किसी भी बच्चे को जिसकी अवस्था अच्छी है, जिसका योग अच्छा है, उनको उनके सहायता में मददगार बना सकता है। जी, जैसे आपने कहा, हमें उपराम रहना है, बेहद रहना और रेडी रहना है, जब भी बाबा को सेवा के लिए नियमित बनाए, तो वो स्थिति हमें हमेशा अच्छी रखनी ही है। तो फिर अभी एक और प्रश्न आया राजू भाई जी, और वो जैसे आपने कहा दादियों के बारे में कि दादियों ने इतनी सेवा की, स्थापना के समय पे उन्होंने काफी परिस्थिति देखी, पर परिस्थिति में भी उन परिस्थितियों का बहुत अच्छे से सामना किया, योग बल से सामना किया, तो इसी कारण अभी उन्हें वो एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे, जैसे आपने कहा कर्मतीत बनने के लिए भी वो एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलेंगे, लेकिन अभी जो हम बच्चे आए हैं बाबा के, हम वैसे परिस्थितियां नहीं देखते जो हमें, हमने स्टार्ट में देखा था, इतने मुश्किलों से नहीं गुजरते जो पहले दादियों ने गुजरे थे, तो हमें अगर वो एक्स्ट्रा मार्क्स लेने हैं, हमें वो एक्स्ट्रा गिफ्ट लेना है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, अपनी ओर से हम एक्स्ट्रा क्या पुरुषार्थ कर सकते हैं? मैं कोई परिस्थितियों से ही गुजरने की बात नहीं है, लेकिन बाबा का स्थापना का कार्य सदा निर्विघ्न रहे और हम उसके ऐसे वारिस राइट हैंड बच्चे बन करके रहे, जहां पर भी जरूरत है बाबा मुझे यूज करे, मैं बाबा के लिए हूँ, बाबा का यज्ञ मेरा यज्ञ है, बाबा का कार्य मेरा कार्य है। जो बच्चे हमेशा बाबा के लिए उपस्थित हैं, तैयार हैं और बाबा को सदा ऑफर करके रखते हैं, बाबा जब भी कोई आवश्यकता है मैं तैयार हूँ, तो अपनी मनसा से, वाचा से, कर्मणा से, तन मन धन से अगर सदा सहयोगी बन करके रहते हैं,
विघ्न विनाशक स्थिति में रहते हैं, विघ्न रूप नहीं बनते। कोई भी यज्ञ के आगे विघ्न आए, कहीं पर भी छोटा मोटा आए, तो उसको अपनी शक्ति से, अपनी श्रेष्ठ धारणाओं से, अपने योग बल से परिवर्तन करें। तो ये बहुत बड़ा योगदान है नए विश्व की स्थापना में, कि बच्चे कितने पवित्र हैं, कितने योगी हैं, उसके आधार से बाबा के पास मार्क्स जमा हो जाती हैं। दूसरी बात जो आज बाबा ने कही है, सच्ची दिल, बहुत सच्चाई चाहिए, अंदर एक बाहर दूसरा रूप न हो। तो सच्चाई है, निजी धारणाएं अच्छी हैं, और हर कार्य में हम सदा सहयोगी बन करके रहते हैं, तो जरूर बाबा के पास हमारी जो सहयोग की शक्ति है वो जमा है, और बाबा अंत समय में कुछ भी थोड़ी बहुत बात होगी तो बाबा की तरफ से हमें एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगी और हम पास हो जाएंगे। आई वेल के लिए बाबा ने कहा कोई कमाई जमा करके रखते हैं ना, तो हम भी आई वेल के लिए कुछ कमाई जमा करके रखें। ऐसे नहीं किया और खा लिया, उत्साहत किया और अभी अभी हम सहयोगी बन करके खत्म कर ले, लेकिन कुछ गुप्त कमाई तन से, मन से, धन से, जो विशेषताएं हैं उससे करके निर्विघ्न स्थिति में रहे, तो मैं समझता हूँ जरूर बाबा हमें एक्स्ट्रा मार्क्स देगा। यस, जैसे आपने कहा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि वो सच्चे दिल से करना, जो भी हम सेवा करते हैं बाबा के साथ सच्चे सच्चे रहना, उनका उनके श्रीमत को फॉलो करना, तो ये सब करने से डेफिनेटली हर कोई वो एक्स्ट्रा गिफ्ट के हकदार हो जाते हैं। तो उसी क्वेश्चन को लेकर थोड़ा आगे बढ़ते हैं भाई जी, कि आपने जैसे कहा सहयोग तो हम देते ही है सेवा में, लेकिन अगर कोई ऐसी परिस्थिति आए जैसे संस्कारों का मिलन नहीं होता, तो उस समय हम अपनी ओर से क्या कर सकते हैं? जैसे मम्मा ने भी कहा सहन करना है, समा लेना है, बट कभी कभी अगर कोई टॉर्चर के रूप में कुछ आ रहा है हमारे ऊपर, तो कहाँ पे हम वो फुल स्टॉप लगाए, कहाँ तक, कौन से एक्सटेंट तक आगे बढ़े, तो उस बारे में अगर आप कुछ बता सके। कई बार ऐसी बातें, ऐसी परिस्थितियां आती हैं, सहन करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो किनारा करना पड़ता है। बहुत ज्यादा टॉर्चर अगर कोई कर रहे हैं और हम समझते हैं अति हो रही है और बिल्कुल हमारा योग नहीं लग रहा है, हमारे आगे बहुत बड़े विघ्न आ रहे हैं, तो बड़ों से राय लेकर के अपने आप को उस बात से किनारा करना चाहिए। हो सकता है कि वो बहुत कड़ा हिसाब किताब पिछले जन्मों का हो, कुछ हम उसके लिए योग का प्रयोग जरूर करें, पहले किनारा नहीं करें, लेकिन योग की शक्तियों का प्रयोग करें। लेकिन अगर नहीं सफल हो रहे हैं तो बड़ों से, निमित्त आत्माओं से सलाह लेकर के अपने आप को उन बातों से किनारा करके अपने को सेफ करना चाहिए। ओके, फिर एक और प्रश्न भाई जी, और ये मनसा सेवा के ऊपर है, कि मनसा सेवा जैसे हमें बढ़ाने के लिए ऑफ कोर्स हमें श्रीमत तो फॉलो करना है, योग बल से मनसा सेवा हो सकती है, बट और क्या कुछ चीज है जिसमें हम अटेंशन दिलाए कि हमारी ये मनसा सेवा बढ़ती जाए, मन को कैसे इतना शक्तिशाली बनाते जाए कि ये सेवा ऑटोमेटिकली ही होती रहे? वास्तव में मनसा सेवा के लिए कोई भी कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। मन जितना एकाग्रचित है, मन बुद्धि का भटकना बंद है, अपने स्वस्वरूप में, स्वधर्म में स्थित है, बाबा की शक्तियां आ रही हैं, अपने आप आती हैं। जैसे मिसाल के तौर पर एक स्वच्छ कांच के ऊपर जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं, तो वो किरणें कांच खुद नहीं ले रहा है, कांच के ऊपर आई और वो रिफ्लेक्ट होकर के कहीं भी गई तो वो बहुत शक्तिशाली बन जाती हैं। तो ऐसे ही हम अपने मन और बुद्धि को स्वच्छ रखें, स्वच्छ साफ कांच है जैसे, कोई के प्रति व्यर्थ नहीं है, नेगेटिव नहीं है, इधर उधर की चिंतन नहीं है, तो स्वच्छ मन पर बाबा की ऐसी करंट किरणें आएंगी और वही किरणें
पवित्रता की, शांति की, शक्ति की जब हम अपने ऊपर एकाग्र करेंगे तो अपने आप चारों तरफ फैलने लगेगी। ये मनसा सेवा की विधि है और इस मनसा सेवा की विधि में हमें मन बुद्धि की स्वच्छता, एकाग्रता, कोई भी बातों का इसमें व्यर्थ चिंतन, नेगेटिव चिंतन नहीं चाहिए। तो जितना हम अपने पर ध्यान देंगे कि जो बातें मेरे काम की नहीं है, जो व्यर्थ है, नेगेटिव है, साधारण है, मुझे उसके विषय में नहीं सोचना है। हम अपने अटेंशन को बहुत पॉजिटिव बनाएं, जो अच्छी अच्छी बातें सुनते हैं बाबा की मुरलियों पर ध्यान दें, ज्ञान के चिंतन पर ध्यान दें, मन हमारे कंट्रोल में रहे, व्यर्थ बातों से, व्यर्थ खान पान से, व्यर्थ संग से जो बच कर के रहते हैं उनका मन शक्तिशाली बन जाता है, स्वच्छ और साफ बन जाता है। जब वो योग अभ्यास करते हैं तो बाबा की करंट किरणें हमारे पर डायरेक्ट आती हैं और वही रिफ्लेक्ट होकर के मनसा बन सेवा करती हैं। और उसी से ही, जैसे आज बाबा ने कहा है दादियों के समय, कि मन ही वाहन बन जाता है, अंतर मन वाहन। तो जितना कर्मातीत स्थिति अर्थात वो संपन्न संपूर्ण स्थिति आत्मा की बनती जाती है, उतना मनसा सेवा अपने आप होती है। तो हम संपूर्णता की स्टेज को पाने का पुरुषार्थ करें, मन बुद्धि को साफ स्वच्छ रखें, उसी से मनसा सेवा होगी। जैसे आपने कहा, जितना मन को स्वच्छ रखेंगे, साफ रखेंगे, तो ऑटोमेटिकली होता रहेगा। मन शक्तिशाली तो सेवा ऑटोमेटिकली उससे होती रहेगी। तो भाई जी, अभी एक क्वेश्चन आया है और ये भक्ति मार्ग के ऊपर है। तो भक्ति, बाबा कहते हैं भक्ति और ज्ञान में अंतर होता है और भक्ति मार्ग अज्ञानता का रास्ता होता है। तो बाबा को तो एक बहन ने पूछा है कि भक्ति को हम क्यों अज्ञानता के रूप में देखते हैं, क्योंकि भक्ति से ही तो हमें शिव बाबा मिलते हैं और हमें ज्ञान मिलता है, तो फिर उसे हम अज्ञान के रास्ते के रूप में क्यों देखते हैं? बाबा इसलिए इसको अज्ञानता का रास्ता कहता है क्योंकि बिना पहचान के जो कुछ हमने किया है, कोई ज्ञान से समझ से नहीं किया। भगवान को अगर ढूंढा पुकारा तो कितने अवतार बता दिए, सब में बता दिया, भगवान का परिचय नहीं है तो अंधकार में रहे। इसलिए बाबा कहता है बच्चे भक्ति अज्ञानता है, अज्ञानता माना अंधकार। और अंधकार में जब तक बाबा का परिचय नहीं है, घर का परिचय नहीं है, यथार्थ ज्ञान नहीं है, तो भक्ति थी, भक्ति भावना बाबा को स्वीकार है, भक्ति की भावना से भगवान मिला है, मैं भी जानता हूँ, लेकिन थे तो अंधकार में, भटक रहे थे, दुखी थे, परेशान थे। एड्रेस के बिना अगर आप किसी को ढूंढो तो क्या होगा, कहेंगे कितना भटक रहा है, अज्ञान है। तो भक्ति को बाबा इसलिए अज्ञान कहते हैं कि एक की भक्ति नहीं की, एक को याद नहीं किया, भटकते रहे, पूछा गया भगवान कहाँ है, कौन है, सब जगह है, जिधर देखो उधर वही वही है। तो ये जो ज्ञान की कमी रही उसको अज्ञान कहते हैं, वो अंधकार है। बाकी भक्ति से भगवान मिला है जरूर, जिसने पहले जन्म की शुरुआत की अव्यभिचारी भक्ति केवल शिव बाबा की है, और जितनी श्रद्धा और भावना से की है, पहचान से की है, उनको ही भक्ति का फल मिला है, भगवान मिला है। बाकी आजकल के भक्त जो है वो तो ठगी कर रहे हैं, भक्ति के नाम पर कमाई कर रहे हैं, साधन कर रहे हैं, ऐसे लोगों को ये भक्ति भगवान को पसंद नहीं है, ये तो ही भक्ति दुर्गति की तरफ जा रही है। आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी जी, जैसे आपने कहा भक्ति भी जो दिल से किया है उसका ही फिर हमें फल मिलता है, तो उसमें भी वो भी आवश्यक है और वो भी ड्रामा अनुसार होता है और हमें भक्ति का फल भी मिलता है। तो अभी दूसरा क्वेश्चन है कि ज्वाला स्वरूप योग की विधि क्या है। जैसे हम मनसा सेवा के बारे में बात किया, तो अभी क्वेश्चन आया कि ज्वाला स्वरूप योग की विधि और उसकी अनुभूति क्या है और उसका प्रत्यक्ष फल क्या मिलेगा। वास्तव में ज्वाला शब्द जो है वो समझ लेते हैं कोई अग्नि है, ये है लगन की आग।
शीतल आग है, वो आग नहीं है जो जला देवे। जितना बाबा से प्यार बढ़ता है अंदर अंदर, कहते इसको प्यार की आग लग गई है, सारा टाइम उसी का चिंतन, उसी को देखेगा, उसी से बोलेगा, उसी से बात करेगा, उसी से खाएगा, लेन देन करेगा, तो वो जो संबंध है ज्वाला स्वरूप याद वाला, उसमें जब बाबा के प्रति इतना अटूट प्यार बढ़ता है, स्नेह बढ़ता है, बाबा के सिवा कुछ भी सूझता नहीं है, तो हमारी योग की जो ज्वाला है जैसे वो प्रज्वलित है, एक बाबा के सिवा कुछ नहीं दिखता, उसमें आत्मा बिल्कुल प्योर है, शुद्ध है। और अगर संगठित होकर के 15 लोग 20 लोग बैठ करके ऐसी योग करते हैं, तो जैसे 10-15 लकड़ियों को एक साथ करके जलाया जाता है तो उसकी ज्वाला बहुत तेज होती है, ऐसे ही अगर हम संगठित कुछ आत्माएं बैठ करके एक साथ एक ही शुद्ध संकल्प में स्थित होती हैं, तो वो जो शक्तियों का प्रवाह है वो शक्तियां वायुमंडल को परिवर्तन करती हैं। इसलिए ज्वाला स्वरूप से हमारे संस्कार परिवर्तन हो जाते हैं, शक्तिशाली याद है ये। लगन में मगन होने वाली याद है, और जब याद में एक ही टिक में एक बाबा दूसरा न कोई, उसमें आत्मा प्यार में खोई रहती है, कुछ समय अनुभव होता है, पूरा टाइम तो नहीं होता, कभी रूर्यान कर रहे हैं, कभी ज्ञान चिंतन कर रहे हैं, लेकिन करते करते जब एकाग्रता बढ़ती है और एक के प्यार में लगन में आत्मा मगन हो जाती है, तब वो याद ज्वाला रूप याद कहलाती है। और उस शक्तिशाली याद से हमारे संस्कारों का भी परिवर्तन होता है, विकर्मों का भी नाश होता है, और साथ साथ हमारे जो वाइब्रेशंस हैं, हमारी जो शक्तियां चारों तरफ प्रवाहित होती हैं, उससे प्रकृति का व्यक्तियों का परिवर्तन होता है। इसलिए बाबा कहते हैं याद को साधारण नहीं बनाओ, इसको शक्तिशाली बनाओ, ज्वाला रूप बनाओ, ताकि अपना और विश्व का कल्याण हो सके। अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया ज्वालामुखी युग के बारे में। और अभी पूछना था कि वर्तमान समय में भाई जी आपका क्या पुरुषार्थ है, आप किस बात पर अटेंशन रख रहे हैं? हम तो इतने बड़े संगठन में रहते हुए भी जैसे नहीं रहते हैं, अपनी सेवा अपनी गोट, तो मस्ती में रहो, अपने नशे में रहो। अटेंशन यही रहता है कि जितना बाबा ने दिया है अभी रिटर्न करने का समय है, और जितना हम कर सकते हैं, क्योंकि अभी और कोई बड़े तो इतने बैठे नहीं मधुबन में, जितनी पार्टियां आती हैं उनको हर प्रकार की पालना दें, स्नेह दें, सहयोग दें, उनके प्रश्नों का उत्तर दें, और हमारे से बाबा जो सेवा लेना चाहे ले लें। हम अपने मन और बुद्धि को सब बातों से फ्री रखते हैं, क्या चल रहा है क्या हो रहा है उसमें मेरा इंटरेस्ट नहीं रहता, जो सेवा आती है कर लेते हैं, ज्यादा सोचते नहीं। सोचने की बीमारी से बाबा ने मुक्त रखा है, इसलिए जब बैठते हैं बहुत अच्छी याद की यात्रा होती है, व्यर्थ से मुक्त रहते हैं, सारा टाइम यही चिंतन रहता है कि अपनी और ब्राह्मण परिवार की उन्नति कैसे हो। इतना बड़ा ब्राह्मण परिवार बाबा ने दिया है, अभी हमें डायरेक्शन देने वाला नहीं है कोई, क्या भेजना है क्या करना है बाबा कराता है। मैं सोचता हूँ बाबा जो कहता है बच्चे अपनी बुद्धि की लाइन क्लीन और क्लियर रखो, तो मैं अपने आप सब काम करा लूंगा। तो मेरा यही पुरुषार्थ रहता है कि मेरी बुद्धि क्लीन और क्लियर रहे, कोई भी इसमें व्यर्थ का किचड़ा न जाए, बाबा को जो कराना है, इतना सरेंडर बुद्धि है, बाबा आपको जो कराना है करा, मैं आपका राइट इंस्ट्रूमेंट बन के रहूं, बस यही अटेंशन है। बहुत अच्छे से कहा कि कम सोचना, जितना कम सोचना, और बस अपने आप को निमित बन के रखना, जब भी बाबा चाहिए जिस तरह से चाहिए हो सके। तो अभी प्रश्न है, संगम में शिव बाबा अव्यक्त ब्रह्मा के साथ सूक्ष्म वतन में है, बाबा तो परम धाम में रहते हैं, पर बाबा शिव बाबा फिर ब्रह्मातन बस सूक्ष्म वतन में भी रहते हैं, तो क्वेश्चन यहाँ यही है कि वे परम धाम में हैं और फिर आते हैं सूक्ष्म वतन में जब जरूरत पड़ती है, कि वो सूक्ष्म वतन में ही ब्रह्मा पापा के साथ रहते हैं।
वो दोनों अलग नहीं हो सकते अभी संगम युग पर, जब तक स्थापना का कार्य पूरा नहीं हुआ है तब तक बाबा का अधिकतर पार्ट सूक्ष्म मतन से ही चलेगा, ब्रह्मा के साथ है, कंबाइंड है, क्योंकि वो आत्मा आदि आत्मा है, नंबर वन आत्मा है ब्रह्मा बाबा की, और शिव बाबा इस समय उसके साथ कंबाइंड है, सेवा कर रहे हैं, उनकी स्पीड बहुत ज्यादा है, कितना समय नीचे कितना समय ऊपर मैं नहीं बता सकता, वो जाने, उनकी लीला जाने, हम इस पर सोचते भी नहीं है, चिंतन भी नहीं करते। मैं तो यही समझता हूँ, जब तक बच्चों को साथ नहीं ले जाएंगे तब तक सूक्ष्म मतन से बाबा का दोनों का पार्ट चलता है। वैसे आपने सही बोला, ये बात गुप्त रहती है और ये हमें जानना भी नहीं है, हमें जो बाबा बोलते हैं हमें वैसा ही आगे बढ़ते रहना है, तो उसी पर ध्यान ज्यादा रहना चाहिए। तो अभी एक क्वेश्चन है जिस पर डेफिनेटली हमें ध्यान रखना है, और वो है योग और सेवा का बैलेंस। तो योग और सेवा का बैलेंस कैसे रखे, और जैसे ज्यादा सेवा पर अटेंशन हो जाती है तो फिर वो कैसे अपने आप को वो कर्म योगी की स्थिति में बने रखे, कि अगर सेवा आती भी है, स्थूल रीति की सेवा आती भी है, पर उस समय भी बाबा से कैसे जुड़ कर रहे। तो कुछ जैसे आपका भी अनुभव कि जैसे आप कर्म योगा करते हैं आप कैसे बाबा को घड़ी घड़ी याद करते हैं, और आपके अनुभव से फिर ना कुछ प्रैक्टिस जो हम भी सीख सके तो आप शेयर करेंगे तो अच्छा रहेगा। सेवाएं तो बाबा ने निमित्त रखी है, करनी ही है, सेवा के बिना तो ब्राह्मण जीवन में हम रह भी नहीं सकते, लेकिन सेवा बाबा ने एक हमारे को बिजी रखने के लिए दी है, कर्म करो न्यारे हो जाओ। अगर कर्म योगी जीवन बनानी है तो कुछ न कुछ बुद्धि को श्रेष्ठ चिंतन देना चाहिए, अच्छा सम्मान रखना चाहिए। उस दिन बाबा ने मुरली में कहा है कि समय प्रमाण जिस प्रकार का कर्म है उस प्रकार का सम्मान लेकर के फिर कर्म करो तो कर्म योगी बन जाओगे। हमें भिन्न भिन्न सम्मान जो मिले हैं, जैसे बाबा कहते हैं बच्चे तुम किसके बच्चे हो, सिर्फ यही एक सम्मान ले लो, तुम किसके बच्चे हो, यही स्मृति रहती है कि हम शिव परमात्मा की डायरेक्ट रचना है, उन्होंने मुझे चुना है, मैं बहुत भाग्यवान आत्मा हूँ, श्रेष्ठ आत्मा हूँ, नंबर वन आत्मा हूँ, और मुझे बाबा ने कर्म दिया है, कर्म किया और कर्म से कराने वाला करा रहा है। तो करावन हार की स्मृति अगर रहती है, एक बाबा करावन हार है, दूसरा मैं आत्मा करावन हार हूँ, कर्मेंद्रियों से करा रही हूँ, अलग हूँ, बाबा के श्रीमत अनुसार कर रही हूँ, करावन हार मुझे डायरेक्शन देकर करा रहा है। तो ये दोनों स्मृतियां, करावन हार की स्मृति, डबल करावन हार की स्मृति, और विशेष करके कोई ना कोई सम्मान, हम कर्म योगी आत्माएं हैं, कराने वाला बाबा है, इस सम्मान में रह करके हम करते हैं। जैसे पढ़ाई के समय गॉडली स्टूडेंट है, योग के समय हम बच्चे हैं, बालक सो मालिक है, ऐसे भिन्न भिन्न सम्मान लो और सम्मान ले करके कर्म योगी बन जाओ। तो कर्म करो लेकिन कर्म का भान न रहे, कर्तापन का भान न रहे, तो अभी इसकी कोई रिजल्ट की इच्छा न रहे, तो मैं समझता हूँ हम कर्म योगी बन सकते हैं। बाबा ने दिया है, बाबा का कार्य है, हम खुदाई खिदमतगार हैं, जो सेवा आप कर रहे हो, जो सेवा मिली है, ये बाबा की दी हुई सेवा है, मुझे इसको ठीक तरह से निभाना है। इस स्मृति से लेकर के करो, फंसो नहीं, कर्म बंधन न बन जाए इसका ध्यान रखो, तो कर्म योगी सहज बन जाए। बहुत अच्छे से बताया आपने भाई जी, कि वो कर्म के फल के बारे में भी मत सोचो, बस कर्म करते रहो तो कर्म बंधन से मुक्त हो जाएंगे। तो उसी पॉइंट को लेकर भाई जी, तो हम निमित्त बन जाते हैं, हम बाबा के सेवा के लिए उपलब्ध हो जाते हैं, रेडी हो जाते हैं, और फिर अनिमित आत्माओं के डिसीजंस तो बाबा ही लेते हैं, बाबा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं। तो क्वेश्चन आया है, ये बात संगम युग के अंत में कहाँ तक लागू होगी? हाँ, तो
कहाँ तक जैसे बाबा हम निमित आत्माओं के लिए डायरेक्शंस देंगे, डिसीजंस लेंगे, तो वो क्वेश्चन है। ये तो क्वेश्चन ही नहीं है, जब तक संगम हुआ तब तक बाबा साथ है हमारे। जब संगम पूरा हो जाएगा तो सब खेल पूरा हो जाएगा। इसलिए संगम पर बाबा की श्रीमत जो मिल रही है, मुरली के माध्यम से मिल रही है, योग के माध्यम से मिल रही है, आप उसकी टचिंग को कैच करो, बुद्धि को स्वच्छ साफ रखो। मैं समझता हूँ जब तक जीना है तब तक पढ़ना है, जब तक संगम युग है तब तक बाबा हम बच्चों के साथ है, हमको डायरेक्शन देते रहे। शांति भाई जी, आज की मुरली में जो हम डिस्कस कर रहे हैं उसके अंदर बहुत सुंदर लाइन जो है वो बाबा ने कही है कि मनसा शक्ति और निर्भयता की शक्ति जमा करो, अब तब ही अंत सुहाना होगा। अब आज के दौर में प्रैक्टिकल लाइफ में आत्माओं को अपने शरीर के इतनी सारी इनसिक्योरिटी होती है कि मुझे कोविड ना हो जाए, कुछ ये ना हो जाए, कुछ वो ना हो जाए, अब मनसा शक्ति के द्वारा क्या हम इस प्रकार के, क्योंकि दिस इज प्रैक्टिकली हो रहा है, और जब हम योग करते हैं, इतनी तपस्या करते हैं, तो वो निर्भयता की शक्ति कैसे इमर्ज करें, क्योंकि ये बहुत डिफिकल्ट है कि अपने देह के बारे में हम चिंता ना करें, इट्स किसी के लिए वो सहज नहीं होता है। और फिर बाबा कहते हैं अगर निर्भयता होगी तब अंत सुहाना होगा, अर्थात जब तक हमें अपने शरीर के भान से टोटल डिटैचमेंट होगा तब निर्भयता होगी। आप जरा उसके ऊपर कुछ बताएंगे? आप खुद भी उत्तर दे रही हैं, क्योंकि निर्भयता केवल एक है कि शरीर न छूट जाए, इसका भय रहता लोगों को। और आजकल ये जो बीमारियां निकली हैं, अचानक कुछ भी हो रहा है, लेकिन बाबा ने कहा है बच्चे आपकी जो खुशी है, आपकी जो आंतरिक स्थिति है, इन चिंतनों में नहीं जानी चाहिए, क्योंकि आपके पास फुल कमाई जमा की है, अपने आप निश्चिंत रहो, जो होगा सब अच्छे से अच्छा होगा, और जो काल की घड़ी है, जो शरीर छोड़ने का अंतिम समय है, वो तो कोई रोक ही नहीं सकता है, चाहे कोरोना हो चाहे बीमारी कोई भी हो, उससे तो आप बच ही नहीं सकते हैं। जो समय निश्चित है उस पर तो शरीर छूटेगा ही। जब इतना बड़ा ज्ञानदाता बाबा ने दिया है तो डर के नहीं रहो, नियम पालन करो, शरीर की संभाल करो, कायदे से चलो, अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाओ, एक्सरसाइज करो, उसके लिए बाबा मना नहीं करता। लेकिन भय करके, भय से जीना, भय तो भूत है, वो तो परेशान करेगा। इसलिए अपने आप को इस समय बहुत जरूरी है निर्भय बनाना। विनाश की अंतिम सीन को वही क्रॉस करेंगे जो बिल्कुल अशरीरी स्थिति में रहेंगे, निर्भय स्थिति में रहेंगे, शरीर का कोई भी डर नहीं है। बाबा कहता है अगर खुशी खुशी से शरीर छोड़ दोगे तो अगला शरीर भी बहुत अच्छा मिलेगा, इसलिए आप इसकी परवाह नहीं करो। एक तरफ अपनी मनसा को बहुत शुद्ध बनाओ, पवित्र बनाओ, श्रेष्ठ बनाओ, शक्तिशाली बनाओ, जिससे मनसा अपने आप अपने वाइब्रेशन फैलाए। यही दो साधन है जिससे हमारी अंत मत्ति सो गति होगी, सुहानी हो जाएगी। शरीर छूटेगा तो भय से नहीं, डर से नहीं, हाय हाय से नहीं। इसलिए बाबा कह रहे हैं बच्चे परिस्थितियां तो आनी ही है, आप सब विनाश के अंतिम सीन में अगर अंत सुहानी करना चाहते हो तो निर्भय बनो। हम मरे हुए हैं, मर जीवा है, डरने की कोई बात ही नहीं है। जब आत्मा अजर अमर अविनाशी है तो डर किस चीज का। लेकिन शरीर को साथ लेना है, इससे हमें कमाई करनी है, इसके लिए इसकी संभाल जरूरी है। मोह नहीं है, संभालना है, संभालो अच्छी तरह से, लेकिन इसमें फंस करके नहीं, जो होगा सब अच्छे से अच्छा होगा। ज्ञान को यूज करो और ज्ञान को यूज करके निश्चिंत स्थिति में रहो, बाकी तो बाबा जाने। जो हमारा श्रेष्ठ कर्म है वो हमारे साथ है, जो शरीर को होना होगा होगा, इतनी चिंता करके भयभीत नहीं होना। बाबा राजू भाई, आज की और प्रैक्टिकल लाइफ में ये होता है,
जो हम परिवार में भी रहते हैं या ऑफिस में भी होते हैं, कि जो बाबा ने कहा है कि हमें और ब्राह्मण परिवार में भी कि अपनेपन की भासना, तो अपनेपन की भासना जैसे बाबा कराता है, हम बाबा से योग लगाते हैं तो भी अपनापन महसूस होता है, हम दादियों के पास जाते थे तो अपनापन महसूस होता है, लेकिन जैसे जैसे यज्ञ आते आगे चलता जा रहा है, वो भावना को बनाए रखना, अपने अंदर बनाए रखना, क्योंकि हमें दूसरों से नहीं एक्सपेक्ट करना है कि हाँ मुझे वो अपनापन दे, लेकिन अपने अंदर वो अपनापन बनाए रखने के लिए कैसे करें, क्योंकि बाबा कैसे करते थे, कि कैसे दादियों ने किया है, कैसे आपने महसूस किया है दादियों के साथ, जैसे हम भी सीखे कि इस तरह से पालना देते हैं अपनेपन की। दादियों ने हमेशा हमारी विशेषताओं पर ही ध्यान दिया, कभी भी उनको ये नहीं गया कि ये कमी है, ये संस्कार है, ये ऐसा है वैसा है, नहीं, उनको यही रहा कि हर एक आत्मा पुरुषार्थी है, अपना अपना उसका पार्ट है, विशेषताएं देखी, एक भी विशेषता की महिमा की, उसके आधार से उन्होंने उसको आगे बढ़ाया, पालना देने की उन्होंने विधि अपनाई, कमी कमजोरियां अपने आप खत्म हो जाएंगी, उसको इतना दादियों ने कभी नोट नहीं करके रखा अपने अंदर, उनको अपनी तरफ से उनकी विशेषताओं का वर्णन करना, उनको विशेष सेवा देना, उनको आगे बढ़ाना उनका एक लक्ष्य रहा, ये उनकी पालना का स्वरूप था। इसलिए हमने देखा कि अंत तक भी दादियों से यही अनुभव होता रहा कि दादी मेरी है, और दादियों ने अपने आप से बिल्कुल इनोसेंट बना करके रखा, अगर हमारी कोई ने कंप्लेन भी कर दी तो उस कंप्लेन को कभी भी अपने पास नोट करके नहीं रखा, कोई बात अगर उनको लगता है कि गलत है तो इशारे में बहुत विशेषता सुनाते हुए ये बात सुनी है इसको खत्म कर दो, ऐसे सहज भाव से फैमिली फीलिंग से, जैसे बड़े कहते हैं डायरेक्ट नहीं कह दिया तुम गलत है, तुमने क्यों किया है, तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन उनके समझाने का जो तरीका था बहुत युक्तियुक्त था, देखो कितनी अच्छी सेवाएं करते हो, कितनी विशेष है विशेषताएं तुम्हारे अंदर है, तुमने ऐसा ऐसा किया, बहुत महिमा करने के बाद अगर कोई बात उनको इशारे में बतानी है तो कहेंगे ये बात सुनी थी इसको खत्म कर देना, इसको नहीं ध्यान नहीं देना इसको खत्म कर देना, तो उनकी पालना का बड़ा विचित्र रूप है। बाबा की पालना भी देखो कैसी है, इतनी सुंदर विशेषताएं सुना सुना करके फिर एक इशारे बताता है ये बच्चे ठीक नहीं, ये नहीं करना है, ये नहीं करना। आज की शिक्षा देखो मुरली के अंदर आपने जो सुना है कि इतनी बड़ी सेवाओं को सामने रख करके जैसे जुम्मेवारियों की स्मृति दिला दी, और जुम्मेवारियां कितनी है तुम्हारे ऊपर, ये जो छोटी छोटी हदें में बना के रखी है, मेरी सेवा है, मेरी एरिया है, मेरा स्थान है, मेरे जिज्ञासु है, तो बच्चे इनसे छूटो, इनसे अलग हो जाओ, ये हदों में नहीं जाओ, तुमको ये सेवा करनी है। तो बाबा ने इतनी विशेषताएं सुनाई, ये करना है, ये करना है, ये करना, इतना जैसे काम है और आप कहाँ लगे हुए हो, तो कमियों का ध्यान खिंचवाया, लेकिन पालना देने की विधि है ये, विशेषता सुनाई, जवाबदारी स्मृति में दिलाई, ये कार्य रहा हुआ है, स्थापना वालों को मदद करनी है, एडवांस पार्टी को सहयोग देना है, अपनी सुरक्षा करनी है, सब बातें बता करके फिर ये हदों से मुक्त कराया, ये पालना करने की बुद्धि भाई। लेकिन हमें तो हद में नहीं आना है, लेकिन हमें हद में लाने के लिए कहा जाता है, आने के लिए कहा जाता है, समझाया जाता है, तो ऐसे में फिर हम बेहद नहीं, हद ये एरिया की बात ऐसा नहीं करो, अपनी बुद्धि तो बेहद में रखो। यस बाबा बैठा है ना, बाबा का यज्ञ, अपनी बुद्धि बेहद में रखो, बाकी कोई कायदे बताए जाते हैं, कोई टकराव ना हो, कोई ऐसे तेरे मेरे में न फंस जाए, इसलिए थोड़ा सा अपने को सीमित रखना चाहिए, उछलना नहीं ज्यादा। थैंक यू। तो भाई जी आज के लिए बहुत सुंदरता से आपने प्रश्नों के उत्तर दिए, और होप हम आपसे मिलते रहेंगे ऐसे ही। थैंक यू सो मच। ठीक है, ओके, ओम शांति, ओम शांति सबको।
चलो